मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है टेरेस से। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है इसलिए मैंने दुपट्टा रख रखा है सर पे, और भी मैं जल चढ़ाने आई थी, ये लिया है मैंने। और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, बट ठंड भी हो रही है बहुत ज़्यादा। धूप इस टाइम ये है कि आँखों में लग रही है बट बॉडी में नहीं लग रही है, ऐसी धूप हो रही है कि बॉडी में अच्छी लग रही है। तो अभी मैं सिर्फ अभी बात लेकर सावर लेकर आई हूँ, और धूप में देखो अभी आप देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं किया है फेस पे, सिर्फ आकर अभी मैंने जल चढ़ाया। अब जा रही हूँ नीचे, मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है और अभी बहुत सारे काम है। अभी तो काम स्टार्ट भी नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सो के उठी हूँ, नहाया धोया, साफ सफाई की है बस। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट कर तैयारी करने। पहले तो मिट्टी और मिट्टी के पापा सो रहे हैं, उनको उठाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। अभी बहुत सारे काम है, तो चलिए चलते हैं नीचे, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मिट्टी को उठाती हूँ फिर किचन में चलती हूँ, ठीक है? सो मैं आ गई हूँ किचन में, और मुझे आज बनानी है मूली के पत्ते की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे मूली के पत्ते एंड साथ में एक आलू एंड मूली मैंने कट कर ली। मूली भी मैं साथ में ऐड कर देती हूँ, अच्छी लगती है, क्योंकि सूखी मूली आजकल खा नहीं सकते, मौसम ठंड का चल रहा है और ठंड में वैसे भी आजकल सर्दी जुकाम बहुत डर लगता है। तो इतनी सब्ज़ी हम लोगों के लिए इनफ है। तो इसमें मैंने सिर्फ लहसुन और मिर्च से सब्ज़ी को छौंकती हूँ और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ बस, इसमें और भी कुछ नहीं ऐड करती। तो मेरी सब्ज़ी यहाँ पे एक साइड रेडी हो रही है, दूसरी साइड मैं यहाँ पर बना रही थी जब वो सब्ज़ी बन गई, उसके बाद मैं बनाने लग गई। यहाँ पे मिट्टी का मूंग का चिल्ला बना रही हूँ। सो ये देख सकते हो आप, मूँग की दाल यहाँ पर पिस रही है, एंड उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको पलटा लूँगी। साथ में इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा प्याज, एक हाफ टमाटर मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मिट्टी को जब मुंह में टमाटर या प्याज जाता है ना तो वो मुंह से निकाल देती है, इसके साथ साथ में चिल्ला भी जो खाती है वो निकाल देती है, इसलिए मैं थोड़ा ही डालती हूँ जिससे उसके पेट में कुछ तो जाए, वो कुछ तो खाए, क्योंकि वो ऐसे भी कुछ नहीं खाती है। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। मूंग की दाल का चिल्ला वैसे भी बहुत ही हेल्दी होता है, और ये जो मैंने घी यहाँ पर बनाया है खुद से, आप देख सकते हो जो बनाया था आप लोगों के साथ में शेयर किया था, उस घी से ही बना रही हूँ। सो ये घी को मैंने पूरे तवे में फैला दिया है अच्छे से, जिससे चिल्ला जो है चिपके नहीं नीचे नीचे, और इस चिल्ले को डालकर मैं अच्छा सा फैला दूँगी और थोड़ी देर रुक जाऊंगी, जब ये पक जाएगा फिर इसको मैं पलटा दूंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे पलटा दिया है मैंने, और पूरी तरह से पक चुका है, आप देख सकते हो बन चुका है। यहाँ पर मिट्टी को मैंने खिला भी दिया था, उसके बाद में खिलाने के बाद में इनके पापा जा रहे थे शॉप, तो उसके बाद में मिट्टी जब डेली ये जाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम जब जाते हैं, तो मिट्टी का डेली का रूटीन बन गया है, कहती है कि मुझे बाहर ले चलो, चिज्जी लेना है ये वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिट्टी यहाँ पर क्रैक्स लेकर आई हैं आज डेली। वैसे क्या करते हैं, इसको देते तो नहीं है, मानती नहीं है, तो इसको जरूरी है फिर ले जाते हैं, फिर मानती नहीं है तो क्रैक्स क्रैक्स खा रही हो क्रैक्स। और निन्नी कराते हैं, जैनी निन्नी करोगी, निन्नी करोगी, आओ निन्नी अंदर आओ, आओ निन्नी करने जा रही है, आप भी अंदर आओ, चलो उठो, हाँ लाओ उठा लो, अंदर खा लो आकर, आओ आओ अंदर खा लो, पीछे वायर लगा हुआ है बेटा, आगे आकर खाओ, पहले अंदर आकर खाओ। क्या है जैनी, क्या है बाबू, क्या है बताओ, इधर आओ मेरे पास आओ, क्या कह रही हो आप, आओ मेरे पास आओ, आओ आओ मेरे पास आओ, बैठो यहाँ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे क्या कर रही हो जैनी, क्या कर रही हो जैनी, देखो जैनी क्या कर रही है, देखो जैनी क्या कर रही है, देखो कैसे इतना प्यार दिखाती है यार जैनी, क्या बेटा, क्या बाबू, क्या है बाबू, जैनी क्या है बाबू, बस क्या अपना फेस दिखा रही हो, ये क्या आप क्या कर रही हो, ये क्या ट्रेन बना रही हो उसकी, देख लो कैसे मस्ती चल रही है, इन लोगों के पीछे देखो कपड़े कितने सारे फैले रखे हैं, वो सब मुझे भी फोल्ड करके रखना है, सारे ही सारे कपड़े फोल्ड करके रखना है। सो मैं आ गई हूँ रूम में, मेरा जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था बन चुका है, मिट्टी को भी मैंने नहला दिया है, वो देखो नहा चुकी है, मिट्टी को भी नहला दिया है मैंने, नहा लिया अनु गली, और जैनी ने नहीं की ना अनु, देखो बच्चा मेरा वहाँ बैठा है और जैनी मेरी गोद में बैठी है, देख लो ना आप लोग भी देख लो, जैनी गोद में बैठी है और बच्चा वहाँ बैठा है, मतलब बेबी को मेरे गोद में नहीं बैठना है और जैनी को मेरे गोद में बैठना है। और आज मैंने पहना ये ब्लैक कलर का कुर्ता और सलवार, दोनों ही ब्लैक कलर के पहने हैं, और ये जो कुर्ता था ये मैंने खुद से ही सिला हुआ था, ये वाला कुर्ता भी मैंने खुद से सिला हुआ है, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया, मिट्टी के पापा जा चुके हैं शॉप, क्या मिट्टी के पापा शॉप जा चुके हैं, अच्छा मम्मा को दे दो एक,
मम्मा को दे दो एक। थैंक यू थैंक यू। गाने में नहीं खा पाया, क्रैक्स खा रही है, मैं मिल गया। जेनी क्रैक्स नहीं खाती है, जेनी कुछ भी नहीं खाती है, जेनी सिर्फ दूध पीती है बस, है ना, है ना। जेनी को देखो कितना प्यार दिखा रही है। तो अभी टाइम भी हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब बन चुका है। मिट्टी के लिए मैंने आज बनाई है दलिया, और दलिया मैंने इसको खिला भी दी है बनाकर, और मैंने भी खाना खा लिया है। मिट्टी पापा भी खा कर जा चुके हैं। सो अब जा रही हूँ मैं मिट्टी को निन्नी कराने के लिए, क्योंकि अब 11:30 बज चुका है और टाइम भी हो गया है सोने का। तो सुला देती हूँ ना, तो फिर सोने के लिए चिड़चिड़ाने लगती है, है ना। मिट्टी अपनी चेयर दिखाना, चेयर दिखाओ अपनी, चेयर कहाँ है आपकी? अले वाह, बैठता है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर दोपहर में थोड़ी देर में, या फिर जो भी करती हूँ मिलती हूँ। अभी तो मैं इसको सुलाने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं मिट्टी को सुलाने आ गई थी। मिट्टी को मैं गोद में लेकर भी सुला लेती हूँ, और बगल में मेरे पास मैं लेट जाती है तो भी वो मेरे पास सो जाती है। उसको अच्छे से हाथ लगा ऐसे थपथपा के सुलाती हूँ तो वो सो जाती है अच्छे से मेरे पास में। और ऐसे ही मैं गोद में लेकर सुलाती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे भी सुला देती हूँ और मेरे पास लेट कर भी सो लेती है। सो अभी टाइम हो चुका है इसका, इसको सुला दूंगी, फिर उसके बाद मुझे अपने काम करने हैं। सो गाइस, अभी हम लोगों का लंच हो चुका है और मिट्टी नीचे है, मैं ऊपर आई हूँ कपड़े उतारने के लिए। कपड़े के ये चादर और ये पिलो कवर थे वो उतारने आई हूँ। कपड़े तो मैं सुबह उतार ले गई थी, क्योंकि धूप होती है ना, तो धूप में सुबह कपड़े आराम से सूख जाते हैं। धूप तो मैं सुबह कपड़े तो मैं सुबह उतार ले गई थी, बट अभी चादर वगैरह नहीं सूखे थे, इनको बाद में मैंने धोकर डाला था इसलिए ये गीले थे, इनको मैं लेने आई हूँ। सो अभी तो मैं जा रही हूँ नीचे, और अभी मिट्टी और मिट्टी के पापा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आते हैं थोड़ी देर लंच करते हैं फिर रेस्ट करते हैं। अभी तो वो रेस्ट कर रहे हैं और मैं मोबाइल में लगी हूँ अपने, वही जैसा जो मेरा रोज का काम है, मैं साइड में बैठ के मोबाइल में लगी हूँ। ये लोग सो रहे हैं, सो नहीं रहे, मिट्टी खेल रही है, मिट्टी के पापा सो रहे हैं। सो अभी तो मैं जा रही हूँ नीचे, उसके बाद में जब ये चले जाएंगे फिर देखती हूँ मैं। अभी मुझे आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात क्या करनी है, मतलब मैंने इससे पहले भी एक ब्लॉग शेयर किया, उसमें बताया था कि आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताऊँगी, जो प्रॉब्लम थी वो मैं बताऊँगी अभी इसके बाद में। ओके, कहाँ जा रही है मेरी ब्राइडर? फेस तो खोल कर दिखा दो थोड़ा सा। अरे फेस खोल दो, अरे बापले दुल्हन बन रही हो, शादी कर दे आपकी मिट्टी। अरे इधर दिखा दो मम्मा को दिखा दो। अच्छा मिरर में देख के रेडी होने जा रही हो, मेकअप करने जा रही हो, कपड़े तो बॉयज वाले पहन रखे हैं। मिट्टी आना मिट्टी काम। अच्छा कोम हो रहा है, रख नहीं पा रही हो, अब मम्मा रख देगी। आओ, सोकर उठने के बाद में सीधे आपका कोम होने लग गया। ये क्या है हैं? क्या है ये हैं? गुस्सा हो गई? गुस्सा हो मम्मा से? गुस्सा हो मम्मा? सॉरी बोलेगी? चली सॉरी से काम नहीं चलेगा, फिर किससे काम चलेगा बताओ आप? क्या करना पड़ेगा मतलब सॉरी से काम नहीं चलेगा, कोम करना पड़ेगा। ये आपके डायपर है, मिट्टी का है। हाँ मिट्टी पहनता है, पता है, सभी को पता है मिट्टी को कोम करना पड़ेगा। कितने टाइप के कोम ले रखे हैं बताओ? एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है। वन कितने? वन टू थ्री। कैसे? वन टू थ्री। अच्छा फोर फाइव सिक्स कौन बोलेगा? वन टू थ्री। अच्छा थ्री हो गए। वन टू थ्री फोर। फोर फाइव सिक्स। फोर फाइव सिक्स। कंफ्यूज हो, कौन सा कोम लोगी? ये वाला कोम। ये वाला कोम चलो अच्छा ठीक है, आप ब्राइडल बन जाओ, आप दुल्हन बन जाओ, जल्दी से शादी करा दें आपकी, ठीक है? सो डुडु डुडु
वो दिखाओ, डेम टू कसीटा आ आ, डेम टू कसीटा ऐसे करता है, ऐसे डेम टू कसीटा आ, और पीछे वाला कैसे करता है, ऐसे डेम टू कसीटा आ, आ, डेम टू कसीटा। आता है आपको डांस, आता है आपको? टूट जाता है, देखो बेचारों बाबू को मेरे क्या हो गए, दो दाने हो गए ना यहाँ पर, छह हो जाएगा, ओके छह हो जाएगा। सो शाम को जब ये जा रही थी चीज लेने के लिए, तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिप बना ली है, इनके पापा इसको लेकर आ रहे थे, चीज दिलाकर ला रहे थे, तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिप ले ली है। और यहाँ पे मिट्टी को देख सकते हो कैसे टांग कर ला रहे हैं, क्योंकि ये बाहर जाते हैं और बाहर डेली में कितने लोगों से मिलना जुलना होता है, और कितने लोग पता नहीं क्या कैसा क्या आ रहा हो, जर्म्स हर जगह चिपके होते हैं, तो इसलिए डर लगता है। मिट्टी मानती नहीं है तो ज़बरदस्ती चली जाती है। वैसे ये ले नहीं जा रहे थे शाम के टाइम, सुबह ले जाते हैं, सुबह साफ़ कपड़े होते हैं, शाम को तो वो शॉप जो पहन के जाते हैं वही जाते हैं ना पहनकर, तो इसलिए वो इनको मिट्टी को ऐसे टांग कर लेकर अंदर आए थे कि उसकी टी शर्ट जो इनकी टी शर्ट पहन रखी इन्होंने, उस टी शर्ट में मिट्टी टच ना हो, इसलिए वो ऐसे ही हैंड में इसको पकड़ कर ले आए थे कि इसको कोई भी टच ना हो। फिर हमें उससे कहा है इसको धुल देना और मिट्टी को भी हैंड वॉश कर देना फिर देना। सो गाइस अभी शाम हो चुकी है और मिट्टी के पापा भी जा चुके हैं। क्या गाड़ी दिखानी है अपनी, दो गाड़ी दिखा दो। देखो मिट्टी अपनी लकड़ी की काठी दिखा रही है, क्या दिखा रही हो, गाड़ी दिखा रही है, दिखाना मम्मा को दिखाओ। देख लिया आप लोगों ने मिट्टी कौन सी गाड़ी चला रही है, जिससे बच्चे चलना सीखते हैं। और ये गाड़ी पता है, ये गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिली थी, ये मेरे पापा लेकर आए थे, मतलब इनके नानू लेकर आए थे, और ये गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिली थी यार, मतलब वो कह रहे थे कि ये गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, तो इसलिए वो ये गाड़ी लेकर आ रहे थे, मतलब दूर रहते थे, क्योंकि ये गाड़ियाँ मिलती नहीं हैं जल्दी कहीं, बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी मिली थी उनको, बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी उनको मिली थी, और मिल गई तो मेरे पापा बहुत खुश हुए थे कि गाड़ी मिल गई मिट्टी के लिए। सो अभी शाम हो चुकी है और मिट्टी पापा जा चुके हैं, लंच भी हो चुका है, हम लोगों सब कुछ हो चुका है, अभी 5:30 बज चुका है, 5 बजे वो जाते हैं, 5 बजे आते हैं, 5:30 बज चुका है, सीटी नहीं है बेटा, सीटी नहीं है, 5:30 बज चुका है। और हाँ, मैं जो बता रही थी आप लोगों से कुछ बात करनी है, वो बात करनी है मेरे इस फैन को लेकर, फैन दिख रहा होगा ना आप लोगों को, ये फ़ैन को लेकर। तो अभी आप लोगों को कल मैंने दिखाया था कि फ़ैन मेरा जो पहले लगा था वो वाइट कलर का था, वो मेरी मम्मी ने दिया था, और अभी लग चुका है ये वाला। और पता है फ़ैन के साथ में क्या हुआ है, फ़ैन कल जो मेरे यहाँ उतारने आए थे फ़ैन, वो ले गए, उन्होंने कहा कि आपका जो फ़ैन है वो टूट गया है। और टूट कैसे गया है वो अपनी गलती नहीं बता रहे थे कि टूट कैसे गया है, टूटा उन्हीं से ही था बट, तो वो फ़ैन उनसे टूटा था, सुबह ले गए थे यहाँ से और उनके हाथों से टूट गया, उनके हाथों से छूट गया होगा कहीं पर और फिर टूट गया। फिर उसके बाद वो कहने लग गए कि ये भैया मुझसे नहीं बन पाएगा, आप किसी और से बनवा लीजिए, ऐसे उन्होंने बोला। तभी मुझे डाउट हो गया था कि ऐसे उन्होंने बोला है, पता नहीं ऐसा क्या किसने क्या कर दिया। फिर उसके बाद मैंने किसी और को दिया तो उन्होंने बताया कि ये फ़ैन टूटा हुआ है। तो मैंने कहा ये फ़ैन टूट कैसे गया यार, मतलब होता है ना, किसी ने मतलब मेरी मम्मी ने दिया था वो वाला फ़ैन, तो कोई इंसान कितनी प्यारी चीज़, ये नहीं होता है कि मतलब वो फ़ैन टूट गया तो मुझे दूसरा लेना पड़ा, न्यू फ़ैन आया है, ये वाला न्यू फ़ैन लगा है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये न्यू फ़ैन लगा है, डार्क ब्राउन कलर का फ़ैन है, न्यू फ़ैन है, तो ये वाला लगा है और वो वाला टूट गया। उसके बाद में बेटा क्या खा रही हो, क्या खा रही हो, चने आपको दिखा दो पहले, बस हो गया, ठीक है आपको दिखा दिया। तो वो जो फ़ैन ले गए थे वो उन्होंने तोड़ दिया, उसके बाद में कहते हैं कि बन नहीं पाएगा, और दूसरों को दिखाया तो कहते टूट गया, तो उन्होंने बोला कि ये फ़ैन टूट गया। मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि मुझे दूसरा फ़ैन लेना पड़ा और ये वो टूट गया, मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि वो मेरी मम्मी कोई चीज़ देता तो वो उसके लिए ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, वरना किसी और के लिए नहीं होती है, उन्होंने तोड़ दिया, और तो बस मुझे यही अफसोस हो रहा है कि उन्होंने ये फ़ैन तोड़ कैसे दिया, मुझे बस बार बार यही हो रहा है कि तोड़ दिया यार, क्या कह सकते हैं, चलो ठीक है, मुझे दूसरा लेना था फ़ैन, तो दूसरा तो मैं ले लेती, दूसरा न्यू फ़ैन आ गया, न्यू आ जाता, बट वो फ़ैन तो मेरा नहीं टूटता क्योंकि मम्मी की दी हुई चीज़ थी, मम्मी लोगों ने मुझे दी थी, और कोई नहीं, किसी की दी हुई चीज़ को एकदम से तोड़ दो तो अफसोस होता है, सही बात है, क्या कर सकती हूँ, एक ना एक दिक्कत ही आ जाती है।
सो चलो गाइज, यही था कि मतलब मेरा फैन न्यू लग चुका है, अब ये वाला चू चू वाला फैन चला गया है जो उस दिन चू चू की आवाज़ कर रहा था। क्या हुआ, उस दिन चू चू की आवाज़ कर रहा था तो हम लोगों ने दे दिया था बनने के लिए, उन्होंने कहा कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हो गया था, फिर उसके बाद में ख़राब हो गया तो चलो बनने के लिए बन के आ जाता, बट बन के भी नहीं आया, वो टूट अलग से गया। मतलब मुझे यही लग रहा है कि बताओ बनी किसी की दी हुई चीज़ एकदम से तोड़ कर रख दी, और पता नहीं क्या है, नहीं बनाना आता तो क्या है, अब तोड़ दिया उन्होंने, अब टूट, अब वो कुछ भी कर लें वो चीज़ तो नहीं आएगी ना, मम्मी की दी हुई चीज़ तो कोई बात नहीं, किसी की दी हुई चीज़ एकदम से टूट जाती तो अच्छा नहीं लगता है। सो बस ये छोटा सा ब्लॉग था आज आप मेरा आप लोगों के साथ में। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अब प्लीज़ बोल रहा हो, प्लीज़ कैसे बोल रहे हो, कह दो प्लीज़ बोलो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ये क्या कर रहे हो, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए गाइस, मिलती मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। इसको मतलब मैं सिर्फ इतना बोलने की देरी होती है कि चलो गाइस, मिलती मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, बाय सी यू सून, बाय सी यू सून, तुरंत बोलती है बाय सी यू सून कैसे। सो चलिए गाइस, मिलती मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर एंड सी यू सून। फ्लाइंग किस कौन देगा, फ्लाइंग किस कौन करेगा, बाय बाय, लव यू ऑल, बोलो लव यू ऑल, लव यू, बोलो लव यू ऑल, बाय बाय बाय, ओके बाय, ओके बाय। सो बाय बाय गाइस।